हम बात कर रहे हैं ओरिएंट ग्रीन पावर की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो छोटे मोटे अपसाइड के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई है। देख सकते हैं स्टॉक में जंप तो बीच बीच में हमको देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन इस जंप पर कहीं पर भी अपने रिसेंट हाई को स्टॉक ने ब्रेकआउट नहीं किया है दोस्तों। रिजेक्शन के साथ लो ब्रेकडाउन करता नज़र आ रहा है। तो यहाँ से स्टॉक ने जहाँ क्लोजिंग दी गए 19.80 रुपये 20 रुपये का लेवल, इसका तगड़ा और इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। हमने इससे पहले वीडियोस में इस सपोर्ट को काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया हुआ है, जब स्टॉक इस रेंज में था और देख सकते हैं स्टॉक उसी के आसपास सपोर्ट लेता नज़र आ रहा है, लेकिन लगातार गिरावट है। तो वैसी सिचुएशन में 19.80 रुपये का सपोर्ट ब्रेकडाउन कर जाता है तो सबसे आखिरी सपोर्ट बनेगा इस लो को, आप देख पा रहे होंगे 18.60 रुपये का लेवल। जब तक इसके ऊपर है ओरिएंट ग्रीन पावर तब तक अपसाइड के चांस बने हुए। इस लेवल को ब्रेकडाउन दे जाता है तो फिर 16 रुपये तक का भी फॉल दिखा सकता है, 16 रुपये तक की भी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन अगर स्टॉक अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे 19.80 रुपये का लेवल, जहाँ से काफ़ी दफ़ा जंप दिखा चुका है, यहाँ से अगर जंप आता है तो 21 रुपये और फिर नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस फेस करेगा इसका हाई 22.40 रुपये का लेवल। अगर बाउंस बैक करके इस हाई को ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर और अपसाइड दिखा सकता है, लेकिन स्टॉक में क्या देखने के लिए मिल रहा है, जंप आ रहा है लेकिन अपना रिसेंट हाई ब्रेकआउट नहीं कर रहा है। तो अब इम्पॉर्टेंट है इस हाई का ब्रेकआउट, अगर इस हाई को ब्रेकआउट कर गया तो फिर वैसी सिचुएशन में अगेन 25 रुपये तक का जंप दिखा सकता है, फिर 25 रुपये का लेवल इसका मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। तो इसके आसपास फिर हम फ्रेश बाइंग अवॉइड करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी स्टॉक ने लगातार 25 रुपये के लेवल से गिरावट दिखाई हुई। तो 25 रुपये तक का जंप आता है तो फ्रेश बाइंग को अवॉइड करके चलना ठीक रहेगा। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।